जी हाँ फ्रेंड्स, इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला एक्सचेंज वज़ीरेक्स ही हमें हमेशा अच्छी सर्विसेज देता है, लेकिन बहुत लंबे समय से वज़ीरेक्स हमें एक नॉर्मल सी पेमेंट जैसे कि UPI, IMPS, नेफ्ट, RTGS ये सारी सर्विसेज भी नहीं दे पा रहा था, और अगर थी तो वो उन सर्विसेज के ऊपर बहुत ज़्यादा अमाउंट लिया जा रहा था। लेकिन अभी आप सभी के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव सबसे बड़ा अपडेट आया है। उम्मीद है कि आप सभी को एक शायद मेल भी आ चुका होगा कि आपके जो डिपॉजिट्स हैं वो सबके शुरू हो चुके हैं। डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स अब बहुत ज़्यादा इजी रहेंगे, सारे के सारे बैंक ट्रांसफर्स नेफ्ट एंड RTGS के द्वारा होने वाले हैं। लेकिन इसी में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको जाननी ज़रूरी हैं, तो अगर आप भी वज़ीरेक्स यूज़र हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखते रहना, अभी से लाइक कर दो। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन हमेशा पहुंच रहे, और ऐसे ही हमारी अपडेट्स जो है सारी के सारी टेलीग्राम के ऊपर आती रहती हैं। वॉल्टेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे हम हर एक अपडेट सबसे पहले डालते हैं। इवन इसके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। अब हम चलते हैं मेन अपडेट के ऊपर। तो आप ये देखोगे कि आपको भी शायद मेल आया होगा, तो आपको यहाँ बता दूं कि इंस्टेंट बैंक ट्रांसफर शुरू कर दिए गए हैं। तो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वज़ीरेक्स का। एक्चुअल में हम वज़ीरेक्स के ऊपर ट्रस्ट करते थे कई सालों से, लेकिन वज़ीरेक्स ही हमें ये सर्विस नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से जो ट्रस्ट था वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। लेकिन अभी वज़ीरेक्स ने समहाउ इंस्टेंट बैंक ट्रांसफर फिर से ऑफिशियली लाइव कर दिए हैं। तो आपको ये भी याद होगा कि पहले डिपॉजिट्स चल नहीं रहे थे, डिपॉजिट्स थे तो वो काफ़ी सारी उसमें प्रॉब्लम्स आती थी, इवन उसके ऊपर परसेंटेज के बेसिस पर आपसे डिपॉजिट फी ली जा रही थी। अब यहाँ पे कितनी फीस है और कितनी लिमिट्स है वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे डायरेक्ट डिपॉजिट्स आप कर सकते हैं, वो भी नेफ्ट और RTGS के द्वारा। और ये दोनों जो सिस्टम है ये हमेशा सबसे बेस्ट माने जाते हैं पूरे इंडिया में। अगर हम कोई भी बैंक ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इन्हीं को यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसके ऊपर ट्रस्ट बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा रहती है और इवन एफिशिएंसी भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो पहले तो हम मेल से रीड करेंगे, उसके बाद हम एक्चुअल में वज़ीरेक्स के ऊपर चलेंगे कि वहाँ पे क्या दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि नो ट्रांजैक्शन लिमिट ऑन डिपॉजिट, यानी कि कोई भी लिमिट नहीं है, डेली डिपॉजिट की भी लिमिट नहीं है, आप जितना मर्जी चाहे उतना ज़्यादा डिपॉजिट कर सकते हैं। जी हाँ, मैं जानता हूँ कि इसका मतलब क्या है। अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वज़ीरेक्स भी चाहता है कि इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट आए, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो नहीं चाहती थी कि इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर या फिर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के ऊपर किसी भी तरीके के डिपॉजिट्स आएँ, या फिर उनका पैसा एक्सचेंज के ऊपर आया और वही पैसा क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करके किसी और कंट्री में चला जाए। जिस कारण अभी वज़ीरेक्स ने समहाउ अपने ही शायद प्रॉफिट्स के लिए इसको शुरू किया है। मेरा मानना ये नहीं है कि सोली सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए शुरू किया गया कि वज़ीरेक्स का एक फ़ायदा हो सके, लेकिन इससे क्या कि हमारे जितने भी वज़ीरेक्स यूज़र्स हैं उन सभी को भी बहुत बड़ा इससे फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि अभी यहाँ पे प्रोसेसिंग टाइम बहुत कम हो जाएगा, नेफ्ट एंड RTGS कुछ ऐसे मोड्स रहते हैं जिनको अगर हम यूज़ करते हैं तो डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा फास्ट रहते हैं। और एक और बहुत बड़ा इशू था, वो था कि ट्रांजैक्शन आईडी को सबमिट करना। अब ट्रांजैक्शन आईडी वाला कोई भी झंझट नहीं रहेगा, सीधा आप डिपॉजिट करो नेफ्ट या फिर RTGS से। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है आप सभी के लिए। वो प्रॉब्लम डिस्कस करने से पहले आपको यहाँ पे एक बार मैं वज़ीरेक्स का दिखा दूँ कि यहाँ पे इन्होंने क्या चीज़ दिखाई हुई है। पेमेंट मेथड्स, इंस्टेंट बैंक ट्रांसफर आप करते हैं तो 10 रुपये लगेंगे, 11 रुपये से लेकर 50 लाख पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हैं नेफ्ट और RTGS से, यानी कि बहुत ही फास्टली यहाँ पे सेटलमेंट्स होने वाली हैं। अदर वेज टू डिपॉजिट यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है, स्टैंडर्ड डिपॉजिट है। अगर आप इंस्टेंट नहीं करना चाहते तो 1000 रुपये से लेकर 10 लाख तक आप ट्रांजैक्ट कर सकते हैं नेफ्ट, RTGS और IMPS, तीनों ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो कि 6 घंटे तक लग सकते हैं 9 AM से 9 PM के बीच में, जो कि बैंक के वर्किंग आवर्स होने चाहिए। अब यहाँ पे आपने 2 ऑप्शन देख लिए, तीसरा ऑप्शन कौन सा है, P2P। तो P2P के ऊपर क्या पॉसिबिलिटीज रहती हैं कि आप UPI, IMPS, नेफ्ट या फिर RTGS के द्वारा डायरेक्टली पे कर सकते हो एक दूसरे को। अगर आपने क्रिप्टो बाय करना है तो आप INR पे कर दो, अगर आपने INR बाय करना है तो किसी को क्रिप्टो पे कर दो। यहाँ तक ठीक था, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो यहाँ पे इस बार इन्होंने क्लियरली बता दी, जो पिछली बार बताई नहीं थी। कि अभी आप देख सकते हैं मेल में ही लिख दिया है कि अगर आपने इस मेथड को यूज़ करके एक बार भी डिपॉजिट कर लिया तो आपके क्रिप्टो विड्रॉल्स बंद हो जाएंगे। एक बार अगर पैसा आपने डाल लिया INR इस एक्सचेंज के ऊपर तो आप अपना पैसा विड्रॉ नहीं कर पाओगे क्रिप्टो के फॉर्म में, यानी कि आप वज़ीरेक्स से USDT बनाकर, BTC बनाकर, इथेरियम बनाकर, कोई भी क्रिप्टो करेंसी बनाकर उसको कहीं भी ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे, विड्रॉ नहीं कर पाओगे। इसी के साथ साथ आपकी P2P सर्विस भी डिसेबल कर दी जाएगी, यानी कि अगर आपने यहाँ से डिपॉजिट कर दिया तो आपने जो विड्रॉ करना है वो विड्रॉ भी यहीं से होगा, और वो क्रिप्टो विड्रॉ नहीं होगा, वो INR विड्रॉ ही होगा। एक बार अगर आपने सोचा कि आपने INR डाल के क्रिप्टो लेना है तो वो क्रिप्टो आपको सेल ही करना पड़ेगा, यानी कि फिर से एक ट्रेडिंग फ़ी देकर
आपको TDS देकर सेल करना पड़ेगा और तभी आप INR को बाहर निकाल पाओगे अपने ही बैंक में। अगर आप सोचो कि आपने यहाँ पैसा डाला कहीं भी ले जाओगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं होने वाला। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, P2P सर्विस डिसेबल हो जाएगी, यानी कि अगर आप सोचो कि आपने पैसा यहाँ पे डाल लिया उसके बाद आप नहीं चाहते कि पता चले कि आपने TDS पे किया और गवर्नमेंट को पता चल जाएगा, आप चाहते कि TDS पे ना करना पड़े और आप यहाँ पे कन्वर्ट नहीं करना चाहते INR में और विड्रॉ नहीं लेना चाहते ताकि गवर्नमेंट ट्रैक ना कर पाए। आप सोच रहे हो कि P2P ज़्यादा बढ़िया मेथड है कि आप डायरेक्टली किसी को अपना क्रिप्टो दे रहे हो और INR ले रहे हो अपने ही बैंक में, सीधा डायरेक्टली हो रहा है, तो ये P2P इस तरीके से काम नहीं करेगा। तो सीधा सीधा क्या है कि यहाँ पे गवर्नमेंट को और एक्सचेंज को दोनों को फ़ायदा हो रहा है कि अगर आपने INR डिपॉजिट किया तो आप ट्रेड करोगे, जब भी ट्रेड करोगे ट्रेडिंग फीस वज़ीरेक्स कमारा होगा और TDS जो है वो गवर्नमेंट कमारी होगी। अगर आपने सेल करना है अगेन ट्रेडिंग फीस और TDS आपको पे करना पड़ेगा, तब आपका INR बाहर आएगा इसी एक्सचेंज से। लेकिन आप सोचो कि क्रिप्टो विड्रॉल करना है या P2P करना है तो ये डिसेबल हो जाएंगे। तो शायद ये कोई नई अपडेट नहीं है, ये पहले भी था, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये चीज़ हट जाएगी। इन्होंने NEFT RTGS शुरू किया तो शायद ये जो बहुत बड़ी रिस्ट्रिक्शन है इसको बंद कर दिया जाएगा। अब इसी के साथ साथ अगर हम UPI की बात करें तो UPI इनेबल नहीं किया गया, सिर्फ NEFT और RTGS ही है, और आपका जो वेरीफाइड वज़ीरेक्स बैंक अकाउंट होगा सिर्फ उसी के द्वारा डिपॉजिट होने वाले हैं। अगर आप सोचो कि अनवेरीफाइड अकाउंट से करोगे तो वो सपोर्टेड नहीं रहेंगे। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसकी वजह से आज वज़ीरेक्स कुछ दे भी रहा है लेकिन उसके ऊपर बहुत बड़ी रिस्ट्रिक्शन भी लगा रहे हैं। अब मैं बताता हूँ कि क्यों नहीं कोई वज़ीरेक्स यूज़ करना चाहता, ये शायद ऑलरेडी पता होगा वज़ीरेक्स के CEO को, वज़ीरेक्स की टीम को, कि अगर आपने डिपॉजिट अलाउ कर ही दिए तो आप चाहते हो कि वहीं पर ट्रेड किया जाए, लेकिन वो ट्रेड के चक्कर में 1% TDS कोई भी पे नहीं करना चाहता। और कोई नहीं चाहता कि अगर हमारा प्रॉफिट नहीं बन रहा है, प्रॉफिट ना बनते हुए भी 30% टैक्स देना पड़े, ये बहुत बड़ा इशू है। और इसी इशू से बचने के लिए हम फॉरेन एक्सचेंजेस यूज़ करते हैं, जैसे कि Binance है या फिर कोई भी फॉरेन एक्सचेंज है जिसके ऊपर कम से कम हमारा TDS तो नहीं कटता और वहाँ पे P2P भी काम करता है, और इवन हम इजीली हमारे डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स कर पाते हैं चाहे वो P2P के द्वारा ही करते हैं। ओवरऑल इन द एंड हम जानते हैं कि हमें फॉरेन एक्सचेंजेस अभी यूज़ करनी पड़ेंगी, लेकिन आपने सुना होगा कि कुछ दिन पहले एक अपडेट आया था कि 20% TCS भी लगने वाला है। अगर आप सोचो कि आप फॉरेन एक्सचेंजेस के ऊपर आने वाले समय में क्रिप्टो ट्रेड करोगे तो उसके ऊपर भी एक लिमिट लगाई गई है 7 लाख, अगर 7 लाख तक पहुंच जाती है आपकी क्रिप्टो की ट्रेडिंग लिमिट तो उसके बाद आपको 20% TCS भी देना पड़ेगा, तो इस चीज़ का भी आपको खास ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि वज़ीरेक्स ने कुछ दिया और कुछ ले लिया, शायद रिस्ट्रिक्शन ये हटनी चाहिए थी, अभी तक नहीं हटी है। जब तक ये नहीं हटेगी तब तक अभी भी वज़ीरेक्स कोई भी यूज़ नहीं करेगा और इसके ऊपर जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो नहीं बढ़ने वाला। तो आज का हमारा ये वीडियो इतना ही, लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस हमेशा पहुंचते रहें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।